हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जो एक बहुत ही सैड न्यूज़ कल वाली की, सुशांत सिंह राजपूत की जो खुदकुशी की खबर आई है, ठीक है, तो सो सैड इतनी यंग एज में एक टैलेंट का चला जाना। बट इसे एक बात प्रूफ भी होती है कि नाम, पैसा, शोहरत, इसके अलावा आपकी मानसिक शांति कितना मैटर करती है आपको ज़िंदगी जीने के लिए। जो आपका इनर पीस होता है, जो आपकी इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो कितने मायने रखता है। बाहरी छवि को छोड़ दिया जाए तो अंदर आप क्या हो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। जब हम बात सोल जर्नी की करते हैं तब भी हम यही बात करते हैं कि बाहर जो भी है उसे छोड़कर अपने अंदर रहना। तो देखिए, धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें भी प्रूफ होती जा रही हैं, अपने आप पता लगता जा रहा है लोगों को कि ये नीड ऑफ द डे बन चुका है, खुद पर काम करना, ठीक है, अपनी सोल पर काम करना, अपनी अंतरात्मा की सुनना। शिखर पे जाके भी आप कितना अकेले पड़ जाते हो, ठीक है। तो सो सैड कि इतनी यंग एज में वो चले गए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है कि स्पिरिचुअल गिफ्टेड पर्सन आप हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं, गॉड ने आपको कुछ क्वालिटीज दी हैं जिससे पता लगता है कि आप स्पिरिचुअली किसी तरह से जो है दूसरों से थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ लक्षणों से पता लगता है। तो जो स्पिरिचुअली अवेकन लोग होते हैं उनके क्या जो है साइंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइंस उनको अवेकनिंग जब उनकी होती है उससे काफ़ी समय पहले से, या कहना चाहिए कि हमेशा उनको लाइफ टाइम ये साइंस होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो जब अवेकनिंग का टाइम आता है तो ये जो चीज़ें होती है ये फासन अप हो जाती है, मतलब तेज हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला जो साइन होता है वो होता है स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोगों का कि एक तो उन्हें सपने बहुत आते हैं, ठीक है। मेरे केस में भी यही था कि सपने बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा सपने, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा सपने, ठीक है। ऊंचाई से गिरने के सपने, मतलब ऊंचाई से गिरने के सपने तो मुझे इतनी इस हद तक आते थे कि मुझे झटके से मेरी नींद तक खुल जाया करती थी, ठीक है। फिर सांपों के सपने, रेप्टाइल्स के सपने, ठीक है, तो इस टाइप के सपने आना, ओके। और दूसरी बात, सपने में किसी का भी चेहरा दिखाई ना देना, ये एहसास होना कि फला फला इंसान है लेकिन कभी भी कोई चेहरा नज़र नहीं आना, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ साइंस थे मेरे भी। तो पहली बात तो ये है कि आपको तरह तरह के जो है ड्रीम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जब तक आप उनको, आपकी अवेकनिंग के बाद आप उनको इंटरप्रेट करना नहीं सीख जाते हो, ठीक है, तब तक आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि आपको ये सपने इतने क्यों आते हैं, ठीक है। और मेरे साथ तो ये भी होता था कि मुझे तो लाइफ टाइम वैसे भी रेप्टाइल्स बहुत दिखे, बहुत ज़्यादा, रियल जो लाइफ है उसके अंदर भी, सपनों में नहीं, रियलिटी में भी मुझे रेप्टाइल्स बहुत दिखते थे। मेरा हर जगह सामना हो जाता था सांप से या अदर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो पहला साइन है कि बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। फिर सेकेंड है कि आपको जब अवेकनिंग होती है तब आपका रिपीटेड नंबर जो है वो बार बार दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, खासतौर से 11-11 दिखता है आपको बार 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 बार, ठीक है। 8 जो इन्फिनिटी नंबर होता है वो भी दिखता है आपको। तो ये सब साइंस होते हैं कि आप किसी तरह से जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। 11-11 साइन होता है कि आप सही पाथ पे हैं। ट्विन फ्लेम नंबर तो होता ही है, साथ में ये भी होता है कि अब आपका कुछ नया, आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है, ठीक है, या आप सही पाथ पे जा रहे हो। जो कुछ भी आप करते हो और उसके बाद आपको अगर 11-11 दिखाई देता है तो इट मीन्स दैट एंजल्स आर सेइंग दैट या यू आर ऑन राइट पाथ, ठीक है। तो आप सही मार्ग पे चल रहे हो ये आपको आपके एंजल्स बता रहे हैं, अगर आपको बार बार 11-11 दिख रहा है तो, ठीक है। तो ये था सेकंड साइन। फिर है कि लोग जो होते हैं ना, जो लपेट के जो भी बोलेंगे, झूठ या फरेब में लपेट के जो भी बोलेंगे, आपके सामने जो भी पेश करेंगे, बट ना आप उसको सेंस कर लेते हो, उसके पीछे जो झूठ होता है, उसके पीछे जो गलत चीज़ें चल रही होती हैं उसको आप सेंस कर लेते हो, ठीक है, और आप उसको अपोज भी करते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी प्रेशर की वजह से जब तक अवेकनिंग नहीं होती है और आपके अंदर वो ब्रेवरी नहीं आती है, ठीक है,
बोलने की जो आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती है, आपको लगता है कि आपको दबा के रखा जाता है, तब तक क्या होता है कि चाहे आप बाहर से अपोज नहीं कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप फिर भी हमेशा उस चीज़ों को अपोज करते रहते हो, ठीक है। तो आपको समझ आता है कि लोग फेक हैं, सोसाइटी फेक है, या ये जो रूल्स हैं ये सब फेक हैं, इनके पीछे के छुपे हुए सच को आप देख पाते हो, मतलबी लोगों के पीछे छुपे हुए मतलब को आप देख पाते हो क्लियरली, ठीक है। और अंदर ही अंदर आप अपोज करते हो, और जब आपके अवेकनिंग हो जाती है और जब आप में इतनी ज़्यादा आप फियरलेस हो जाते हो, तो फिर आप उसको बाहर जो है ना ऊंची आवाज़ में भी आप उसको अपोज करना स्टार्ट करते हो। आप अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म चुनते हो, वहाँ पे जाके आप बोलते हो, या फिर आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये था साइन एक और, फिर नेक्स्ट है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग हैं, वो उनके एक बहुत बड़ा साइन होता है कि वो ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है जल्दी और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सब कुछ वो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। एज सून एज दे थिंक दे विल मैनिफेस्ट, है ना, जब वो सोचेंगे वो उतनी ही जल्दी उन चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर है कि आपका नेक्स्ट साइन है कि सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, उनका जो प्रेशर होता है, उनके जो नियम होते हैं, ठीक है, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ भी होता था, ये आपको कभी भी ना, आप बहुत डिसइंटरेस्टेड रहते हो इनमें, ठीक है। आपको कभी भी जो गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, आपको ना, आपको ऐसा लगता है कि आप उनका हिस्सा नहीं हो, ठीक है। आप मीन्स आप छंटा हुआ फील करते हो उस जगह पे, ठीक है। तो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको रास नहीं आते, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगते और आपको नहीं मन करता कि आप उनको फॉलो करो, ठीक है। आप उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को रखते हो और आप उनमें से बेकार चीज़ों को पहचान के और उन्हें छंटनी करना जानते हो, ठीक है, इतनी काबिलियत आपके अंदर होती है। फिर नेक्स्ट है कि आपको अपने अंदर हमेशा एक खालीपन, जो फुलफिलमेंट की कमी जो है ना, वो फील होती रहती है हमेशा हमेशा लाइफ टाइम, ठीक है। तो आप उसको जब आप अवेकन नहीं होते हो या जब आपको उतना पता नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, आप इंजॉय करके दोस्तों में जाके शॉपिंग करके या आउटिंग करके या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमा के पार्टी करके आप उन चीज़ों को जो है खुशी को जो है पाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी हमेशा आपको अधूरापन ही लगेगा, आपको कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कर लिया लेकिन मुझे इसकी खोज नहीं थी, मुझे किसी और चीज़ की खोज है, ठीक है, ये मुझे मिल गया। आप एक चीज़ को ग्रैब करने जाओगे, आप उसको पा लोगे, ठीक है, आपको लगेगा इसमें मेरी खुशी है, लेकिन जैसे ही आप उसको पाओगे आपको लगेगा कि नहीं, इसमें भी मेरी खुशी नहीं है, क्योंकि आपको तब तक बिगर पिक्चर देखना नहीं आता है, ठीक है। तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अवेकनिंग हो जाती है, ठीक है, बहुत से लोग तो इतने स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं कि वो अवेकनिंग जो है, अवेकनिंग तो खैर लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो हमेशा ही इस टाइप के जो लोग होते हैं वो बिगर पिक्चर को देखने के आदी होते हैं, ठीक है। बात के पीछे छुपी हुई बात को पहचानना, बात में से बात निकालना, उनको वो हेल्पलेस होते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो जो है मीन मेक निकालें, या मतलब मीन मेक निकालना तो गलत वर्ड हो गया, जिसको कहते हैं मतलब ऊपर सरफेस लेवल पे मीनिंग नहीं निकालेंगे, वो हमेशा डीप मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। और ये उनके भी वश में नहीं होता, उन्हें पकड़ में आ जाती है, उन्हें सेंस हो जाती है चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि उनकी इंट्यूशन बहुत तेज होती है, जितने भी स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग होंगे इनकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि चाहे इनको कितना भी लालच दिया जाए, चाहे इनको कितना भी झूठ फरेब में लपेटा जाए, लेकिन ये जो इनकी इंट्यूशन इतनी तेज होती है कि ये पहचान जाते हैं कि कौन इंसान इनका भला करना चाहता है और कौन इंसान इनका बुरा करना चाहता है। यही रीज़न होता है कि इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका जन्म जो है वो ऐसी सोसाइटीज़ में होता है जो डिसफंक्शनल होती हैं, ऐसी फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे लोग रिश्ते बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल होते हैं, लेकिन फिर भी ये हर चीज़ से अपने को बचा के और अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ऊपर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका सबसे बड़ा साइन होता है कि ये हर चीज़ से अपने आप को जो है ना बचा पाते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको बताती रहती है कि चाहे बाहर से कोई चीज़ कितनी भी सुहानी दिख रही है लेकिन उसके अंदर उसका जो है उसका पीछे से जो है उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि इनकी इंट्यूशन इनको हर टाइम सचेत करती रहती है,
ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाता है कि अंदर आत्मा सबके पास होती है, ठीक है, लेकिन चाहे अवेकनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले से भी ये लोग जो होते हैं, जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड लोग होंगे, वो हमेशा हमेशा वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं। एक देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों के पास कुछ खास होता है, ठीक है, सबकी अपनी एक अंतरात्मा होती है। जब आप कोई स्टेप लेने जाना चाहते हो तो आपकी अंतरात्मा आपको रोकने की कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है। तो यही फ़र्क होता है स्पिरिचुअल लोगों में और जो अदर सोल्स हैं उनमें, यही फ़र्क होता है कि स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो अपनी अंतरात्मा की बात को सुनते हैं, ठीक है, और सही स्टेप लेते हैं सही टाइम पे, ठीक है। तो ये थे कुछ गुण जो कि स्पिरिचुअल गिफ्टेड लोगों में होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर बोलने में आपको थोड़ा इधर उधर लगा हो तो सॉरी सॉरी फॉर दैट। वीडियो काफ़ी मतलब 2-4 दिन हो गए थे, तो मुझे लगा एक वीडियो मुझे डालना चाहिए, और ये इस वीडियो का आइडिया मुझे कई दिन से था, तो मुझे लगा आज मैं आपके लिए यही वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।